सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। अब हम देखते हैं स्वर संधि। संधि का पहला वर्ग स्वर संधि, उसकी बात करते हैं। स्वर का नाम होता ही स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों का मेल हो, दो स्वरों का मेल हो, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाए, वही क्या है स्वर संधि। ठीक है। अब स्वर का नाम होता ही हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि स्वर कितने हैं? 11। कितना मतलब क्या है कि इन 11 स्वरों में से ही 11 प्लस 11 इनमें से इधर आय हो सकता है, इधर आ हो सकता है, इधर ई हो सकती है, इधर आय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलेंगे तो ये 11 ही है। तो स्वर का नाम आते ही हमारे दिमाग में और व्यंजन छोड़ो सिद्ध क्या दिमाग में चाहिए कि इन्हीं 11 स्वरों में से ही मेल होगा। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं पहला है ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। हिंदी में री एक ऋषु स्वर ही होता है, दीर्घ सी नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। तो हम देखते हैं 11 स्वर हैं। अब इन्हीं का ही मेल होगा, या तो ऐ के साथ आ होगा, ठीक है, या ऐ के साथ आ होगा, ऐ के साथ ई हो सकती है, ऐ के साथ बड़ी ई हो सकती है, इन्हीं में से होगा। और इन्हीं के मिलने के आधार पर ही इन्हीं 21 के साथ मिलते हैं और इसमें क्या परिवर्तन होता है, इन्हीं के आधार पर क्या होगी, स्वरों के उपभेद होते हैं, स्वरों के उपभेद होते हैं। स्वरों के स्वर संधि के उपभेद कितने हैं? 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, यण, वर्दी और अयाति, ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं अभी कि कौन कौन से होते हैं वो भेद, इन्हीं ये तो किसके साथ मिलते हैं और क्या परिवर्तन होता है, इन्हीं के आधार पर ये 5 संधि है। तो रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल समझने की ही जरूरी है। पूरी स्वर संधि के अंदर ये आपस में मिलते हैं, ये इधर से इधर मिल सकते हैं, इधर से इधर मिल सकते हैं, या अपना ये ई के साथ ई भी मिल सकता है, इन्हीं के आधार पर ये भेद हो गए। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऐ के साथ ऐ मिलाते हैं, ऐ के साथ ऐ मिलाते हैं, फिर ऐ के साथ आ मिलाते हैं, ऐ के साथ क्या मिलाते हैं, आ मिलाते हैं, ठीक है, हो गया। ये ऐ तो हो गया, इसके साथ मिल गया और अपने साथ भी मिल गया। अब हम आ के आ को लेते हैं, आ को सबसे पहले अपने साथ मिलाते हैं, आ को आ से मिला दिया, फिर आ को किस से मिला दिया, ऐसे, ठीक है, हो गया काम। ये दो आपस में मिल गई। अब हम लेते हैं ई, ई को ई से मिला दिया, या पहले हम देखते हैं ई को ई से मिला दिया, फिर ई को दीर्घ ई से मिला दिया, ठीक है, फिर हम देखते हैं दीर्घ ई को ऋषु ई से मिला दिया, फिर दीर्घ ई को दीर्घ ई से मिला दिया, या पहले इसी को मिला, ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम देख सकते हैं। अब हम स्वर में बात कर रहा हूं मैं, इधर ऊ या ऊ हो सकता है और आगे भी क्या हो सकता है, और कोई सा भी हो, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इसी के आधार पर हम ये लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं ये एक संधि हो गई, स्वर संधि का एक भेद हो गया ये, केवल हमने क्या किया है, इनको आपस में मिलाया, इनके इनके साथ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, इनके, ठीक है। समान स्वर मूल स्वर भी कहते हैं ए, ई, ऊ, री, ठीक है। तो री यहां पर दीर्घ होता नहीं है तो आपसे मिलते नहीं, समान स्वर किससे मिलेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं समान स्वर जो मिलते हैं, ये समान स्वर है, सजाती स्वर है, ये आपस में जब मिलते हैं तो कौन सा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ, ए और अ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगी, ठीक है। इसी आधार पर ए या आ मिलो तो भी क्या हो जाएगा, आ और आ मिले तो भी क्या, आ और ए मिले तो भी क्या, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं ई, ई समान स्वर मिलते हैं तो क्या हो जाएगी, दीर्घ ई, ऊ तो समान स्वर दीर्घ। यह हो गई संधि का एक भेद, ये कौन सी संधि है, दीर्घ हो जाती है, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो संधि का नाम क्या हो गया, दीर्घ। हमने बात की जो स्वर मिलते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है इसी के आधार पर हम संधि के उपभेद करेंगे, जिनका नाम देंगे, तो हो गया दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं अगला, इनको आपस में मिला दिया, ठीक है, हम इनको इस आधार पर लिख सकते हैं है या के बाद में है या हो, समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाते हैं। इनके बाद ये नहीं होना चाहिए, समान स्वर हो तभी दीर्घ होगा,
इसे कहते हैं दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ। अब हमने इनको तो ऑप्शन मिला दिया, लेकिन अब इनको इनसे मिलाते हैं, इनको ए को इससे मिलाते हैं, ए को दीर्घ से मिलाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ए के साथ क्या मिलाया, ई, ठीक है। ए के साथ ई मिलाया, फिर ए के साथ दीर्घ मिलाया। तो यहां पर हम देखेंगे ए और ई जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ए मिलते हैं, और ए और दीर्घ मिलते हैं तो भी क्या बनते हैं, ए ही बनते हैं, ठीक है। इसी आधार पर हम ए या आपको, अब इसके आधार पर आप दीर्घ ला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं। अब ए को तो मिला दिया हमने इसे, दोनों से, अब आपको मिलाते हैं, आपके बाद में ई लगा सकते हैं, आपके बाद में दीर्घ मिला सकते हैं, तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। अब हम ए आपको किससे मिलाते हैं, ऊ और ए आपको किसे, ऊ पहले उससे मिलाते हैं ए को, ठीक है। ए के बाद में अगर ऊ हो, सीधे बताते हैं कि ए है या आ, इनके बाद में ऊ या देव हो, ये हो, ए के बाद में ऊ हो सकता है, ए के बाद में बड़ा हो सकता है, आज के बाद में दीर्घ हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, ओ मिलता है, क्या बनता है, ओ। तो यहां पर हम देखते हैं इधर क्या बनता है, ए, यहां पर क्या बनता है, ओ। ये गुणसंधि की पहचान है, ऊपर एक मात्रा, क्या पहचान है, ऊपर एक मात्रा गुणसंधि की पहचान है। अब हम मिलाते हैं ए आपको ऋष से, किससे मिलाते हैं, ए आपको ऋष से। तो पहले हम ए को मिलाते हैं ऋष से, और फिर मिलाते हैं आपको इसे, देखते हैं ए या आ के बाद अगर री हो, क्या हो, री, तो इनके सामने क्या बन जाएगा, अर, क्या हो जाएगा, अर। तो ये ए, ओ और अर, ये किस संधि की पहचान है, गुण संधि की पहचान है। कौन सी संधि है, स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि, क्या हो गई, गुण संधि। हमने बात की जो जिससे मिलता है उसी के आधार पर संधि का उपभेद हो जाएगा। दो संधि हो गई, हमने ए को आज से वापस मिला दिया, इनको इससे मिला दिया, इनको इससे मिला दिया, इनको इनसे मिला दिया, ठीक है। अब हम ए आपको इनसे मिलाते हैं, इनसे मिलाएंगे ए आई ओ ओ। तो हम देखते हैं ए को मिलाते हैं ए से, ए को मिलाते हैं आई से, ठीक है। तो ए या आ होगी बात, अलग अलग लिखो या साथ लिखो, एक ही बात है। ए या आ के बाद क्या हो, ए या आई, कोई सा भी हो सकता है इधर, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर कोई सा भी हो, इधर आ हो या इधर आई हो, इधर ए हो या आई हो, ए हो या ए हो, कोई सा भी हो, उत्तर क्या आएगा, इसका संधि बनाने में कौन सा बनेगा, आई बनेगा, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी। अब हम मिलाते हैं ए या आ को ओ और औ से, ठीक है। तो ए या आ, इसके बाद क्या हो, ओ या औ हो, ए और आ के बाद ओ और औ हो, तो इन दोनों के स्थान क्या हो जाएगा, औ, इनमें भी क्या हो जाएगी, वर्दी। तो यहां पर दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगी, वर्दी हो रही है, तो संधि का नाम क्या हो गया, वर्दी संधि। स्वर संधि अगला वेद कौन सा हो गया, वर्दी संधि। तीन वेद हो गए स्वर संधि के। अब हम देखते हैं अगला यण संधि का वेद। हमने इनको इनसे भी मिलाया ए और आ को, अवरा को इनसे भी मिलाया, अवरा को इससे मिलाया, इससे भी और इससे भी, सबसे मिला दिए। अब हम बात करते हैं ई और ए की, आपस में तो समान स्वर मिला दिए हैं, ई और ई को मिला दिए, लेकिन अब ई और ई को किससे मिलेंगे, इनसे, ऊ और ऊ को किससे मिलेंगे, इनसे, ये नहीं मिला अभी, है ना। ई और ई को इनसे भी मिलाएंगे, ई और ई के बाद, ई और ई के बाद में क्या आता है, ई और ई के बाद में हमने ये मिलाएंगे, इनके बाद और ये मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो बात यह है कि ई या ई, ऊ या ऊ और री, इनके बाद असमान स्वर, असमान स्वर है, मतलब क्या है कि यहां पर ई और ई के बाद में ई और ई नहीं होना चाहिए, इसके बाद कोई भी अन्य स्वर हो, ई और ई के बाद में ई और ई नहीं हुई। तो हम बात करते हैं ए की, ए और आ, आपस में इनको मिला चुके, अब ये रो मिलाते हैं, ई के बाद ई मिलाते, आई मिलाते हैं, ई के बाद में आ मिलाते हैं, ठीक है। तो ए और मिलाया, या ऊ री ए आई ओ, जो भी मिलाते हैं, मतलब ई के बाद में इन, यानी सबको मिला दिया, तो
ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, आगे वाले में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन परिवर्तन किस में होगा, ई में। ई के स्थान पे क्या, चाहे छोटी हो या बड़ी, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये स्वर रहित ये हो जाएगा ये के स्थान। और उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर हम मिला रहे हैं अभी, संधि के भेद पढ़ नहीं रहे हैं, एक एक की अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या करें, केवल संधि के उपभेद, स्वर संधि के उपभेद है वो बता रहे हैं कि इनके मिलने से हम आपस में मिला रहे हैं। इको सब से मिला दिया तो होगी यण संधि का भेद हो गया और इसमें क्या हो गया ये। अब उ को सबसे मिलाते हैं आपस में, तो इनको मिला दिया दिल संधि में, अब इनको इनसे मिलाते हैं तो क्या होता है, तो अगर उ के बाद में असमान स्वर का मतलब क्या हो गया, सभी स्वर इनको छोड़कर सभी स्वर आ गए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके स्थान क्या हो जाएगा वह, और आगे जो भी स्वर है वो उसमें जुट जाएगा। ठीक है, इनको मिलाते क्या आराम से सबको, अब लेते हैं री को, तो री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, मतलब सभी स्वर री को छोड़कर सभी स्वर आए, सभी स्वर पे कि री के स्थान में क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, वो भी क्या व्यंजन रहित, तो आगे जो भी स्वर होगा वो इस र में मिल जाएगा तो हो जाएगी यण संधि। इनके आगे जो भी असमान स्वर मिलते हैं तो हो जाता है ई, और ई ऊ और री के आवाज में कोई भी असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर र हो जाता है और आगे का स्वर इसमें जुड़ जाते हैं। तो हम सबको इनको सबसे मिला चुके हैं, इनको सबसे मिला चुके हैं, इनको सबसे मिला चुके हैं और इनको सबसे मिला चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बचे हैं चार, कौन से बचे हैं, ए ओ ए ओ। ठीक है, तो ये चार हैं, इन चार के बाद में इन चार को चारों, इन चारों को हम सभी से मिलाते हैं तो एक संधि बनती है अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि। चार वेद हम देख चुके हैं, चौथा यण, यण के सिवना इनको मिलाने से। ठीक है, अब मिला रहे हैं ए आई ओ औ को, पांचवी है अयादि संधि, स्वर संधि का पांचवा वेद क्या है, अयादि। अयादि को कैसे देखते हैं, ए के बाद में, आई के बाद में ओ और ओ, इनको सबसे मिलाते हैं, इनको तो इनसे मिला चुके हैं लेकिन इनको इनसे मिलाते हैं, ए के बाद में अ हो, ठीक है, ए के बाद में अ हो, ए के बाद में ई हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ए के बाद में कोई सा भी स्वर आए, कोई सा भी स्वर आए, ए के बाद में अ आ सकता है, आ सकता है, ए के बाद में ई आ सकती है, ए के बाद में ए भी आ सकता है, कोई सा भी स्वर आओ, समान स्वर की जरूरत नहीं है, एक के बाद में कोई सा भी स्वर आए तो एक के स्थान पर तो हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, आई के बाद में कोई सा भी स्वर आए तो आई के स्थान पर हो जाएगा आए, यह अनंत है, स्वर रहित है, ओ के स्थान पर हो जाएगा औ, और औ के स्थान पर हो जाएगा आ। ठीक है, यह हो गए चार, इनमें परिवर्तन हो रहा है, और अब देखो यह हलंत है, अब आगे जो भी स्वर आता है, ए आता है उसमें तो ए की मात्रा लगा देंगे, आ आता है तो आ मिला देंगे, ई आता है तो ई मिला देंगे, ए आता है तो ए मिला देंगे, ए के बाद में आई आता है तो भी आई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी, अयादि संधि। तो हमने देखा केवल स्वरों को जो आपस में मिलाते हैं इन्हीं के आधार पर कौन सी वेद हो गए, स्वरों के पांच उपभेद। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे अलग अलग भेद, पहले वीडियो में बात करेंगे द्वि संधि की, ये गुण है वर्ति यण अयादि, इन सबकी अलग अलग बात करेंगे। तब तक के लिए आज का टॉपिक पूरा हुआ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।